दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मेनियाक में। जितने भी SSC एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी आपका SSC CHSL का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 4500 प्लस वैकेंसियां अनाउंस की गई है। उसी को हम थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, SSC CHSL का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। इसकी डेट दी गई है 6/12/2022 से 4/1/2023 तक, ठीक है। आपको 4 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको आप लोग को इसको स्टार्टिंग में ही जितना जल्दी हो सके फॉर्म सबमिट करना है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। पहले CHSL में क्या होता था, Tier 1 होता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, और फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता था। लेकिन अब इन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब ये आपका एग्ज़ाम 2 टीयर में होगा और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। आपको पैटर्न को समझाने के पहले आपको पे स्केल के बारे में थोड़ा बता दूँ, सैलरी के बारे में। देखिए, Level 2 की जॉब रहेगी इसके अंडर, जो कि आपकी पोस्ट रहेगी लोअर डिविजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, ठीक है। इसका बेसिक सैलरी जो जाता है वो 19,900 से 63,200 तक जाता है, ठीक है। फिर इसमें आपका एक और पोस्ट रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो Level 4 का जॉब है। इसका बेसिक आपका 25,500 से 81,100 तक जाएगा, और जो Level 5 का जॉब रहेगा उसका बेसिक पे जाएगा 29,200 से 92,300 तक, ठीक है। वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 4500 अनाउंस हो चुकी है, ये आपकी बढ़ भी सकती है लास्ट सिलेक्शन होने तक के, ठीक है। इसमें SC ST OBC के लिए और फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका एज लिमिट इम्पोर्टेंट है। 18 से 27 का एज लिमिट है, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 9/2/1995 के बिफोर है वो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और SC ST के लिए 5 ईयर का कंसेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, और अदर्स के लिए आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका सिर्फ 12th क्लियर होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एप्लीकेशन फी जो ओपन या जनरल कास्ट के हैं उनके लिए 100 रुपीज फीस है, SC ST और फीमेल्स के लिए कोई चार्जेस नहीं है। चलो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है उसको समझ लेते हैं। अब एग्जाम जो होगा, अब इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। एग्जाम जो होगा आपका 2 टायर में होगा, Tier 1 और Tier 2, ठीक है। Tier 1 में आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा जो बेसिक नॉलेज बेस्ड रहेगा, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा जो रीजनिंग बोला जाता है जिसको, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। सभी में चारों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और आपको 60 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। अब जो पहले क्या होता था कि Tier 1 ही होता था, तो वही उसी के मेन मार्क्स जोड़ के मेरिट लिस्ट बनता था, लेकिन अब जो Tier 1 है इसको उन्होंने जस्ट क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। अगर आप Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको Tier 2 देना पड़ेगा, जिसमें आपको सेक्शन वाइज बांट दिया गया है सब्जेक्ट को। देखिए, Tier 2 में क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट होगा जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल फर्स्ट में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज और मॉड्यूल सेकेंड में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा, और दोनों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। इन टोटल आपके सेक्शन फर्स्ट कितने मार्क्स का रहेगा, 180 मार्क्स का, और आपको ईच सेक्शन के लिए टाइम कितना मिलेगा, 1 आवर का। ऐसे ही आपका सेक्शन सेकेंड में 2 मॉड्यूल रहेंगे, मॉड्यूल फर्स्ट जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के आपको
40 क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, तो इसमें भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे आपके 180, और ये 180 प्लस 360, ठीक है। फिर सेक्शन थर्ड रहेगा जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट रहेगा, जो जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स आपके 45 मिल रहेंगे, जिसके लिए आपको अलग से 15 मिनट्स मिलेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आपका सेशन टू आएगा, जिसमें आपका सेक्शन थर्ड रहेगा और उसमें मॉड्यूल सेकंड रहेगा, तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपका अगर आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग देना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको। अगर आप स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दे रहे हो तो आपको 15 मिनट मिलेंगे, और अदर पोस्ट के लिए दे रहे हो LDC या GSA के लिए तो आपको 10 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। देखिए टीयर टू लिखा हुआ है कि कंडक्टेड इन टू सेशन, दो सेशन में होगा, सेशन फर्स्ट एंड सेशन टू, ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर टू, यानी कि टीयर टू के जितने भी सेक्शन है वो आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी, अगर आप एक सेक्शन में भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आगे की प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मॉड्यूल सेकेंड है, जिसमें सेक्शन थर्ड है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब कि इसके कोई मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। सिलेबस लास्ट ईयर की तरह सेम रहेगा, बस एग्जाम का पैटर्न बस चेंज हुआ है, तो आप लोग लेट ना करते हुए जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है SSC के जितने भी एस्पिरेंट हैं, खासकर जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब CGL और CHSL का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसके आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।